मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास तथा कांग्रेस भवनाथपुर विधानसभा युवा अध्यक्ष राजेश कुमार रजक के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने पदस्थापित बीडीओ संजीत कुमार सिंह तथा सीओ नितेश रोशन खलखो पर प्रखंड के विकास कार्यों को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, कांग्रेस नेता राजेश कुमार रजक, भाजपा मंडल अध्यक्ष संध्याकर विश्वकर्मा, देवबंद गुप्ता, चंदन कुमार सिंह, दीनानाथ बैठा, विनोद चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया, जब से प्रखंड कार्यालय में नए बीडीओ तथा सीओ प्रभार ग्रहण किए हैं, तब से प्रखंड में सभी विकास कार्य बाधित हो गया है। वहीं अंचल कार्यालय से एक भी भूमि प्रतिवेदन, जमीन का मोटेशन, छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र आदि निर्गत नहीं किया गया। वीडियो संजीत कुमार सिंह ने कहा कि कोई भी कर्मी अगर किसी भी कार्य के बदले पैसा की मांग करता है तो आप लोग सीधे हमारे पास शिकायत करें, निश्चित रूप से उस कर्मी पर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया, प्रखंड में हमें रहते कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। प्रखंड मुख्यालय पे नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के हठ धर्मिता के कारण प्रखंड में अंचल में आय जाति का जो 400 छात्र का भविष्य जो सरकार द्वारा उनको छात्रवृत्ति देने के लिए जो प्रदान किया गया था, उससे खरौंदी प्रखंड एक गरीब क्षेत्र है जिसको वंचित कर दिया गया। यह अंचल अधिकारी की हठधर्मिता के कारण और तमाम नए योजना में जो भूमि प्रतिवेदन नहीं बनाया जा रहा है, समय से ब्लॉक नहीं आना, अगर आते भी हैं तो जब जनता ब्लॉक पर आता है तो अंचल अधिकारी द्वारा गाड़ी में बैठे चले जाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई भी लाभुक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या उनको आने से पहले जो सड़क हो, बांध हो या आपका तालाब हो, सभी योजनाओं में वो अब डिमांड डाला जा रहा है, इसको जीरो कर दिया जा रहा है। हम लोग को यह आरोप है कि इनका मंशा है कि खरौंदी प्रखंड में जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना, उस योजना को धरातल पर न उतार करके या सरकार की छवि को धूमिल करने का इनका साजिश है। हम अपने ग्रामीण विकास माननीय मंत्री आलमगीर साहब के पास इनका शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी इनका शिकायत करेंगे और मैं उपायुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप इनको यहाँ से हटा करके भोनाथपुर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको प्रभार दिया जाए ताकि हमारा प्रखंड सुचारू रूप से चल सके। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा, यदि यह इन अपने रवैया से अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी बाज नहीं आते हैं तो ब्लॉक में आने वाले समय में ताला बंद करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार रजक, यूथ कांग्रेस भोनाथपुर विधानसभा अध्यक्ष, खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि। आप लोग जो यहाँ पे आज आए हैं, इसमें क्या जो है प्रखंड मुख्यालय में लोगों को क्या क्या समस्या है वो थोड़ा आप बता दीजिए, और क्या नहीं हो पा रहा है, बीडीओ और सीओ जो है क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी लापरवाही क्या है बता दीजिए। खरौंदी प्रखंड में जो नए रूप से आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी, दोनों के आने के बाद प्रखंड के और अंचल के सभी कामों पर लगभग ब्रेक सा लग गया है, जिसमें पेंशन की मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, चेक स्लिप का मामला हो, म्यूटेशन का मामला हो, चाहे आय जाति निवास जो बनाना है वह मामला हो, ये सभी मामला को लेकर के ये दोनों पदाधिकारी चुप साधे बैठे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा हुआ, अगर हमारा प्रखंड का विकास गति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है दोनों पदाधिकारियों द्वारा, अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी द्वारा अगर विकास की गति को रोकने का काम किया जाएगा तो हम लोग सभी जनता के साथ ब्लॉक परिसर में आकर के उग्र आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। और इसके साथ आप लोग के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि ये दोनों पदाधिकारी को यहां से हटा करके भोनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को यहां प्रभार के रूप में दे दिया जाए ताकि प्रखंड का विकास का गति का रफ्तार बना रहे। मैं यही कहना चाहूंगा। मैं उपेंद्र दास, विधायक प्रतिनिधि खरौंदी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।